फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय कुकिंग जोन। और आप सब तो जानते ही हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ इफ्तार स्पेशल बनाएं। एक ऐसा कबाब जो हर कोई खा सकता है, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। तो चलिए बनाते हैं आज कटहल के कबाब। कटहल के कबाब बनाने के लिए हमें जो चाहिए वो है सबसे ज़रूरी चीज़ कटहल। इसको हमने पीसेस में काट के बॉईल करके अच्छी तरह मैश कर लिया है। इसको एकदम मैश कर लेना है एकदम अच्छी तरह से, और थोड़ा भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हमने बड़े टेबलस्पून बेसन लिया है। बेसन सिर्फ हमें बाइंडिंग में हेल्प के लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा हम बेसन नहीं डालेंगे नहीं तो वो पकौड़े का रूप ले लेगा। चॉप किए हुए अनियन, ये ग्रीन चिली, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, सबको एक साथ करके उसका पेस्ट बना लिया है। नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और आमचूर पाउडर। तो चलिए मिक्स करते हैं। सबसे पहले हम बेसन डालेंगे। ये जो हमने पेस्ट तैयार किया है इसको डाल देंगे। चॉप अनियन पूरा डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं। लाल मिर्च, कबाब है तो थोड़ा स्पाइसी होता है। गरम मसाला भी इसमें अच्छे से डलेगा, उसी से अच्छा टेस्ट आता है। आमचूर पाउडर और नमक, को अच्छे से एकदम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसे कबाब का शेप देंगे, टिक्की जैसा बनाएंगे। इस तरह से हथेलियों पे इसे बैठा के इसे हम अच्छे से इस तरह से हमने ये दूसरा बना लिया। इस तरह से हमने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें तेल डालेंगे फ्राई करने के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम अपने कबाब को धीरे धीरे फ्राई होने के लिए डालेंगे। इसे हमें एकदम क्रिस्पी करके फ्राई करना है, ये क्रिस्पी रहेंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे। अब देखिए इसके किनारे कैसे ब्राउन हो रहे हैं, इसका मतलब एक तरफ से हो गया है। अब इसे हम टर्न करेंगे। स्पेस है तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं। देखिए पूरी तरह से रेडी हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। कबाब के साथ एक स्पेशल चटनी खाते हैं, जिसकी रेसिपी अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। बिना चटनी के तो कबाब अधूरा है। तो ये निकालने के बाद हम बनाएंगे इसके साथ खाने के लिए एक स्पेशल चटनी। कबाब के साथ खाने के लिए जो डिप या चटनी हम बनाएंगे उसकी सामग्री है पुदीना, धनिया पत्ती, लहसुन, हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, नींबू, दही और नमक। इन सबको मिक्स करके हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक डिप तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम इसका डिप तैयार करते हैं ग्राइंड करके, और उसके बाद इसकी प्लेटिंग करते हैं।
इन सबको एक साथ हम मिक्सी में डाल लेंगे जार में। नमक, अब इसे ग्राइंड करके इसका एक डिप तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी प्लेटिंग की। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा और डेकोरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। और अनियन के ऊपर भी हम थोड़ा सा नमक और रेड चिली स्प्रिंकल कर देंगे। एक लेमन और ये कोरिएंडर लीव्स के साथ इस तरह से हमारी प्लेटिंग रेडी है। तो हमारा कटहल के कबाब रेडी है और आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।